अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुसलमानों का ये ईमान है कि इबादत ही से निजात मिलती है और इबादत हमारे दुनिया व आखिरत की मुश्किलात का वाहिद हल है। इबादत से दिल को सुकून मिलता है। हमारे पैदाइश का मकसद भी यही है कि हम अपने हालिक के हकीकी के इताअत व इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक करें। इस दुनिया की हकीकत ये है कि जो भी जानदार पैदा होता है वो जरूर मरेगा, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है जिसका मफहूम ये है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर जानदार चीज को एक न एक दिन मौत आनी है। दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, माँ के पेट से पैदाइश का। लेकिन नाजरीन, दुनिया से रुखसत होने का किसी को मालूम नहीं कि मौत किस उम्र में आएगा, किस वजह से आएगा, जनाजा और कफन नसीब होगी या नहीं। लेकिन खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो दुनिया को एक मुसाफरखाना समझ कर जिंदगी गुजारते हैं और अपने आखिरत की तैयारी में मसरूफ होते हैं। उनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि मौत कब और कैसे आएगी, क्योंकि वो मौत के बाद वाली खुशियों के इंतजार में रहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक खुशकिस्मत शख्स अल्लाह के घर में रात की तारीखों में दाखिल होते हैं, और वो भी फर्ज नमाज के लिए नहीं बल्कि रात के अंधेरों में नफल नमाजी तहज्जुद के लिए जाते हैं और नमाजी तहज्जुद पढ़ते हैं। इनको ये पता नहीं कि आज इनको मौत आनी है, इसलिए मस्जिद का रास्ता अख्तियार करके नमाज पढ़ने लगा, बल्कि उन्होंने ये अपना रूटीन बना रखा था। इनको ये अमल पसंद थी, इसलिए इस खुशकिस्मत की रूह को भी अल्लाह ताला ने हालत नमाज में कबज की, जो की हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होता।
ہیں۔ جو جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز ضروریات حل کریں اور ان کو دین اسلام کی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اسلامی مسائل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لگائیں۔ جزاک اللہ۔